Hi guys, welcome back to my channel and I hope all of you are safe at your home during this lockdown. And आज की वीडियो में मैं स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ, बट मैं सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ. यस गाइज, आज मैं सिर्फ किचन के प्रोडक्ट्स यूज करके टोनर, क्लिंजर, फेस स्क्रब, फेस मास्क एंड फेस सिरम बनाने वाली हूँ. एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है जो लोग ये चीजें परचेज नहीं कर सकते और परचेज करना भी चाहते हैं, बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपको नहीं अवेलेबल हो रही है. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना. हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिंजर. उसके लिए आपको चाहिए दही. सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट काफी है. गाइज, अगर आप क्लिंजर पे पैसे खर्च करना नहीं चाहते तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. ये आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ ब्राइट भी बनाता है. ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है. अगर आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी सॉल्व करने के साथ साथ स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है. ये दाग धब्बों को हटाने के साथ साथ स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है. इसे आप 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाज करें एंड आप देख सकते हैं जैसे कि ये एब्जॉर्ब होने लगा है, तो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. एंड अगर आपके पास दही बच गई है तो गाइस इसे वेस्ट ना करें, बल्कि आप इसे हैंड पे भी यूज कर सकते हैं. ये हैंड को भी ब्राइट करता है. और गाइस, आप एंड में फेस एंड हैंड को ठंडे पानी से धो लें. सेकंड स्टेप है हमारा फेस स्क्रब. इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून कॉफी एंड 1 to 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल. अगर गाइस आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं. एंड इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसकी खुशबू कॉफी की तरह बिल्कुल. एंड इसको आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है, जेंटली करें. एंड कॉफी इज एक्ट लाइक ए रियली गुड एक्सपोलिएट एंड वेरी यूजफुल इन एंटी एजिंग. इसको अच्छे से मसाज करने के बाद इसको ठंडे पानी से धो लें. नेक्स्ट है टोनर. इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल एंड 3 to 4 टेबलस्पून रोज वाटर. इसे अच्छे से मिक्स कर ले और आपका टोनर तैयार है. और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से टैप करना है. आपको जेंटली अप्लाई करना है पूरे फेस पे. गाइस, जैसे आपको पता है एलोवेरा जेल फेस को बिल्कुल क्लीन और स्मूथ रखता है, वैसे ही रोज वाटर भी क्लीन और ब्राइट करने के लिए बहुत यूजफुल है. और अगर आपके पास ज़्यादा बन गया है तो आप गाइस इसको एक स्प्रे बॉटल में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी टू यूज़ होता है. नेक्स्ट स्टेप है फेस मास्क. इसके लिए आप 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी ले लें, 2 टेबलस्पून बेसन लें एंड 1 अनयूज्ड ग्रीन टी का पैकेट और इसे वाटर डाल के इसे मिक्स कर ले. गाइज, अगर आपके पास ज़्यादा बन गया है तो वाटर मिलाने से पहले इसे आप छोटे से कंटेनर में डाल ले ताकि आप इसे बाद में यूज़ कर सके. एंड अप्लाई करते हुए मेक श्योर कि आप आईज़ के पास ना अप्लाई करें. और ये पैक आपका ऑल स्किन टाइप है, बट अगर आप इंग्रेडिएंट से किसी एलर्जिक है ग्रीन टी या बेसन से, तो प्लीज़ अप्लाई ना करें. इसे आप गाइज 7 to 8 मिनट तक आप छोड़ दें. सूखने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें. गाइज, आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ही ब्राइट एंड स्मूथ हो गई है. आई एम वेरी मच हैप्पी विद द रिजल्ट्स. नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस सीरम. इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 विटामिन ई कैप्सूल, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल, दिस इज ऑप्शनल गाइज, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन. एंड इसको आपको सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से. और गाइस, इसको मिक्स करने के बाद आपकी एक फेस क्रीम बन जाएगी. और अगर आपको गाइस इस फेस क्रीम को आप देख सकते हैं जो कि ये बहुत ही गाढ़ी है, और इसको आपको फेस सीरम में कन्वर्ट करना है, तो आप अच्छे अमाउंट में आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं. जिसे आप रोज़ वाटर डालने के बाद, मिक्स करने के बाद, ये बिल्कुल फेस सीरम की तरह लग बन जाएगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. गाइस, हमने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करे वो बहुत ही यूज़फुल है. जैसे एलोवेरा जेल है जिसके बहुत यूज़फुल इफ़ेक्ट्स है, जैसे वो एंटी एजिंग में रिमूव सनबर्न और ब्राइट और स्मूथ स्किन करता है.
विटामिन ई हमारे डेड स्किन सेल्स को रिबेल करता है, ग्लिसरीन एज ए मॉइस्चराइजर यूज होता है, और एलमंड ऑयल हमारे स्किन को टाइटन करता है। गाइस, आप मेरा फेस का डिफरेंस देख सकते हैं। रोज वाटर ने भी अपना इफेक्ट दिखाया है सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन का। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे फेस पे ग्लो देख ही सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 स्टेप करे, और अगर आप भी ट्राई करेंगे तो कैसे रिजल्ट आते प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपको पता चल जाए। और अगर इसी तरीके की कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।